पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी और आईएसकेपी के बीच छिड़ी जंग से वहां की सरकार की नींद हराम हो गई, जिसके बाद वहां के विदेश मंत्री ने इसका जिम्मेदार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मानते हुए उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर तालिबान ने टीटीपी पर एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान टीटीपी के अड्डों पर अफगानिस्तान में घुसकर वार करने के लिए भी तैयार है। मतलब अपने देश में छिड़ी आतंकी जंग से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सीधे सीधे तालिबान को वार्निंग दे दी। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए तालिबान से मदद मांगी थी, लेकिन उस वक्त तालिबान ने इसे टीटीपी और पाकिस्तान की आपसी लड़ाई बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया था। और पाकिस्तान का आरोप है कि इसके बाद टीटीपी को कहर बरपाने का लाइसेंस मिल गया। यही वजह रही कि बिलावल ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों का ठीकरा तालिबान पर फोड़ दिया। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सेना अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी का सफाया कर देगी। वही मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में चुनाव में हो रही देरी की आशंका से सत्ताधारी गठबंधन की सरकार में दरार पड़ गई। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चुनाव टालने के मूड में हैं। और उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि पाकिस्तान में आम चुनाव डिजिटल जनगणना के आधार पर होंगे, यानी पाकिस्तान में इस जनगणना के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस रुख से उनके गठबंधन के दलों में मतभेद शुरू हो गए। खबर है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी और उसके प्रमुख गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच चुनाव के मुद्दे पर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ डिजिटल जनगणना और फिर नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं, जिसमें 8 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि उनके सहयोगी इससे खुश नहीं है।